नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घूसखोर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं बिकाऊ टीवी न्यूज। जी हां दोस्तों, ये वही आपका पसंदीदा न्यूज चैनल है जो आपको दिखाता है बड़ी खबर और सच्ची खबर। और हमेशा की तरह आज भी हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये चूतिया न्यूज वाले ऐसी खबर लाते कहां से हैं और हमको दिखा कैसे सकते हैं और हम देख कैसे सकते हैं। इसलिए आपको ज्यादा ना चाटते हुए सीधी मैं खबर दिखाता हूँ। जी पुष्पेंद्र सिंह, ये कैमरा चालू है। नमस्कार दोस्तों, मैं बिकाऊ टीवी न्यूज से घूसखोर पुष्पेंद्र सिंह आपको एक खूंखार आतंकवादी से मिलाने जा रहा हूं। देखिए, चलिए मेरे साथ। आइए, मैं आपको उन खूंखार आतंकवादी के पास लेकर चलता हूं। आइए, संभल के आइएगा। ऐसे आतंकवादी ऐसी जगह पर ही रहते हैं। आइए आइए आइए, संभाल के आना। आतंकवादी ऐसी ही जगह रहते हैं। आइए आइए, मैं दिखाता हूँ आपको आतंकवादी। आइए आपको लेके चलता हूँ एक खतरनाक आतंकवादी के पास। इनके पास लेटेस्ट और खतरनाक हथियार पाए जाते हैं। चल आगे बढ़ो। आइए देख लीजिएगा, बम वगैरह ना हो यहाँ पर, माइंस बिछा रखी हो। खामोश। जी हाँ दोस्तों, ये हैं वो खतरनाक आतंकवादी। सीधे खड़े हुए, सीधे लाइव चल रहा है, लाइव इधर इधर खड़े हुए, सीधे लाइव। जी हाँ दोस्तों, यही है वो खतरनाक हथियार जो एक मिनट में 100 राउंड निकालता है। दोस्तों, ऐसे आतंकवादियों का क्या करना चाहिए, आप ही हमें बताइए। मुझे तो लगता है कि इनको जल्दी से जल्दी फांसी दे देनी चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें। भैया, हाँ, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये किसान आदमी है, अपना मेहनत करके पेट पाल रहे हैं और तुम इन्हें आतंकवादी बता रहे हो। और ये मेरे पड़ोसी हैं, कोई आतंकवादी नहीं है ये। ओ, ये हैं आतंकियों के मास्टरमाइंड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पाकिस्तानी और देशद्रोही। इन्होंने हमारे काम में टांग अड़ाई है, इसको तो मैं जेल पहुंचा कर ही मानूंगा, चाहे मुझे कितनी भी दलाली खिलानी पड़े। भाग गया। मैं संवाददाता घूसखोर पुष्पेंद्र सिंह, कैमरामैन घूसखोर ललित कुमार के साथ बिकाऊ टीवी न्यूज अब तक। तो दोस्तों, देखा आपने कितने बड़े बड़े खूंखार आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। तो दोस्तों, अगली न्यूज दिखाने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लैक्मे आइकॉनिक काजल, काजल इतना गहरा जो समय को मारते। दोस्तों, ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है बिकाऊ टीवी न्यूज में। दोस्तों, अगली खबर हम बताना चाहेंगे रेप कांड के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े रेपिस्ट पड़े हुए हैं। बहुत ही डरावनी खबर है, चौंकाने वाली खबर है, तैयार रहिएगा। हम लाइन पे हैं संवाददाता पुष्पेंद्र सिंह। जी पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं आपको ज्यादा ना चाटते हुए सीधे मुद्दे पर लेकर आता हूँ। यही वो रेपिस्ट हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3.5 लड़के के साथ रेप किया है। इस रेपिस्ट की एक खास आदत यह है कि जहां भी रेप करता है वहां पर पॉटी जरूर करके जाता है। पॉटी को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है जिससे साबित हो सके कि रेप इसने किया है या किसी और ने। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने कितने बड़े बड़े रेपिस्ट पड़े हुए हमारे देश में। मेरे हिसाब से इन्हें फांसी दे देनी चाहिए। और आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। हम लाइन पे हैं संवाददाता पुष्पेंद्र सिंह। जी पुष्पेंद्र सिंह जी, हाँ, मैं आपको एक बड़ी खबर लाइव दिखाने जा रहा हूँ। आइए, ये आदमी जो आपको चूतिया सा नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा बेवकूफ है। एक तरफ हमारी सरकार सफाई अभियान चला रही है और दूसरी तरफ ये महाशय हाथ में लोटा लेके खेत में यज्ञ करके आ रहे हैं। ए नीच वाले भैया, कुछ गुंडे गरीब आदमी का घर खाली करा रहे हैं, वहां जाके न्यूज दिखाओ। क्या ये फालतू की न्यूज दिखा रहे हो? दोस्तों, मिल गया एक और पाकिस्तानी देशद्रोही आतंकी, मैं इसको जेल पहुंचा कर ही मानूंगा। सरकार हमारे साथ है। मैं संवाददाता घूसखोर पुष्पेंद्र सिंह, कैमरामैन घूसखोर ललित कुमार के साथ बिकाऊ टीवी न्यूज। इसको तो मैं जेल पहुंचा कर ही मानूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी खबरें, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए। और अगली वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं विदा लूंगा। नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुनील कुमार भीम, इनका डायरेक्टर। ये है हमारी एसपीओ टीम।
ये है ललित कुमार कैमरामैन, इनके पास बढ़िया से बढ़िया कैमरे मिल जाएंगे, बजट आपका, कैमरे हमारे। ये है बंटी राठौर जो हमारे चाचा के भी कैरेक्टर करते हैं। ये है विशाल कश्यप, इन्होंने आप लोगों ने इनकी कॉमेडी भी देखी होगी। ये है पुष्पेंद्र सिंह, दया देखी होगी आपने। और ये है राजा, और हमको तो जानते ही आप। अगर आपको ये घूसखोरी वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ घंटा दबाना ना भूलें।